हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड जो पार्ट है उसके रिमेनिंग प्रॉब्लम्स अभी लेने जा रहे हैं। बहुत लंबी एक्सरसाइज है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा लेंगे। अब ये प्रॉब्लम देखो, ये तो दिख रहे बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें एक एडवांटेज है आपको, अगर आपको आप इसको लॉग एक्स समझ के डेरिवेटिव निकालोगे, 1/x फिर से इसका डेरिवेटिव, तो ये बहुत लंबा जाएगा प्रॉब्लम। तो इसमें एक आपको एडवांटेज मिल रहा, ब्रैकेट के बाहर लॉग है, तो लॉग है इसलिए उसको यूजिंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत इजी बन जाता है। तो इधर भी ये इसमें भी रूल्स ऑफ लॉगरिथम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें फार्मूले से और उससे भी इजी बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट यूज करेंगे। जब कभी भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, बहुत सारे टर्म्स है और बाहर लॉग लगा है ब्रैकेट के बाहर, तो उसको सिंप्लीफाई करना है लॉग रूल्स ऑफ लॉगरिथम यूज करके। तो आपको तो पता ही है, थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। जैसे कि लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इस तरह अगर है तो वी राइट लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी, इस तरह अगर प्रोडक्ट है तो इस तरह लगा सकते हैं। और एक रूल देख लो, अभी जो अपने को यूज करना है वही बताएंगे, लॉग ऑफ ए टू द पावर बी, तो ये पावर सामने आ जाता, ये तो पता ही है आपको, बी लॉग ए, इस तरह। ठीक है, तो अभी उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे फिर डेरिवेटिव निकालेंगे। दिख रहा लंबा, सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको लॉग एक्स समझ के डेरिवेटिव मत निकालो, लॉग एक्स 1/x फिर से उसका डेरिवेटिव, वो तो कहीं के कहीं जाएगा, बहुत लंबा प्रॉब्लम होगा। तो सिंपलीफाई करते हैं, सो y इज इक्वल टू log a इनटू b इनटू c, log a दैट इज tan क्यूब x प्लस log ऑफ sin टू द पावर 4x प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 7, इस तरह। अब ये पावर सामने आ जाएगा, दैट इज वी राइट 3 log ऑफ 10x, इस तरह ये सिंपल बन गया। अभी ये भी पावर सामने आ जाएगा, 4 log ऑफ sin x प्लस 7 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, अभी कितना इजी बन गया प्रॉब्लम, बहुत इजी हो गया। अभी नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स, इसमें 3 कॉन्स्टेंट दिख रहा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 4 कॉन्स्टेंट दिख रहा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस 7 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू, अब उसको एक्स कंसिडर करके डेरिवेटिव निकालो, लॉग एक्स 1/x मतलब 1/tan x, वो एक्स नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव टेन एक्स का फिर से डेरिवेटिव, बराबर है। हाँ, इसी तरह 4, इसको भी लॉग एक्स समझ के डेरिवेटिव निकालो, 1/sin x फिर से साइन एक्स का डेरिवेटिव, एक्स नहीं है वो साइन एक्स है, तो इसमें बनेगा 7 लॉग एक्स समझ के 1/x² + 7 फिर से इसका डेरिवेटिव x² + 7, इजी है। तो सो डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 3 1/10 cot x लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स x² tan x का डेरिवेटिव x स्क्वायर, सिंगल एंगल है, प्लस 4 1/sin और sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 7/x² + 7 और इसका डेरिवेटिव 2x और इसका 0। तो ये बन गया आपका dy by dx इज इक्वल टू 3 cot x को थोड़ा सिंप्लीफाई, डेरिवेटिव तो आ गया, अभी तो आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं देखो, cos x अपॉन साइन x, cos x अपॉन साइन x, और sec स्क्वायर की लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, सॉरी 1 अपॉन cos स्क्वायर x, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी, प्लस 4 साइन x cos x में cot x बन गया ये, cos अपॉन साइन cot, और ये हो गया आपका 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पे फार्मूला बनता है इसलिए मैं इसको इस तरह लिखा हूँ। हाँ आप बोलेंगे इसमें बेसिक फार्मूले लिखे, इसमें तो नहीं लिखे, इस तरह कन्वर्ट कर दिया इसको। अब देखो किस तरह, इसमें से एक कॉस कट हो गया, दैट इज 3 अपॉन साइन x इंटू कॉस x प्लस 4 कॉट x प्लस 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। अभी फार्मूला किस तरह लगा रहा हूँ देखो, इसके आगे 2 लगा देता हूँ और इंटू 2 कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा अभी, सो डी वाई बाई डी एक्स, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, नहीं करना है तो फिर वहाँ से छोड़ दो, 3 टू द 6 अपॉन, समझ में आ रहा है कौन सा फार्मूला है, 2 साइन x इंटू कॉस x, दैट इज साइन 2x, साइन 2x का फार्मूला है, प्लस 4 cot x, 4 cot x प्लस 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, इस तरह। और एक स्टेप ज्यादा लिख लेता हूँ, 6 1 अपॉन साइन यानी कोसेक होता है, दैट इज कोसेक 2x प्लस 4 cot x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये बन गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है ना, बहुत सारे टर्म्स है इसमें, तो आंसर बनेगा इसका 6 कोसेक 2x बराबर है 4 कॉट एक्स 14, यस राइट, ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, y इज इक्वल टू, थोड़ा ऑब्जर्व करो इसको, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस 3x है और 1 प्लस कॉस 3x, ठीक है, उसका एंगल देखो 3x है। अब इसको भी लॉग के रूल यूज कर सकते हैं इसमें भी, तो उससे भी और सिंपल बनेगा अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर यूज किया तो। अगर लॉग का यूज करना है आपको तो इसका पावर बनेगा 1/2, रूट निकाल के तो ये 1/2 सामने आ जाएगा, 1/2 फिर 1/2 पावर निकाल लिया ना इसको, 1/2 किया वो सामने आ गया, लॉग ऑफ एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस 3x माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस 3x, ये भी इजी बनता है, और इसको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करेंगे, आपकी बता रहा हूँ आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये रूट है तो पावर बनेगा 1/2, 1/2 आ गया सामने, ये हो गया लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करेंगे। आंसर अगर टैली करना है तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा, आंसर तो आ जाता सेम मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो आपको पता है फार्मूले, 1 माइनस कॉस थीटा अगर है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला है, और 1 प्लस कॉस थीटा अगर है तो फार्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब जो भी एंगल है उसका हाफ आ रहा है यहाँ पे। अभी आपका एंगल क्या बने, फार्मूला क्या बनेगा आपका, 1 माइनस कॉस 3x, 1 माइनस कॉस 3x तो 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, एंगल 3x है, 3x बाई 2 बनेगा, देखो सॉरी दिस वी राइट लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 इस तरह, और इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब 3x बाई 2 इस तरह,
दैट इज y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये टू तो कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस दैट इज tan, tan स्क्वायर 3x by 2, इस तरह हो गया। अब रूट के बाहर निकालो, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका log ऑफ tan 3x by 2, इस तरह बनेगा। रूट के बाहर निकालो ना, तो tan 3x by 2। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ tan 3x by 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, log x समझ के डेरिवेटिव निकालना है, कंपोजिट फंक्शन है, log x समझ के, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, दैट इज 1 अपॉन tan 3x by 2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan 3x by 2, फिर से इसका डेरिवेटिव, x कंसीडर किया इसको, log x 1 अपॉन x, x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव, सो वी गेट ये 1 अपॉन tan एक cot होता है, दैट इज cot 3x by 2 एंगल, और डेरिवेटिव ऑफ tan x, अब x समझ के करना है, tan x डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x, sec square x, लेकिन ये x नहीं है, tan x sec square x, ये x नहीं है, फिर से उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बनेगा 3y2, डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, हां 3x y2 का डेरिवेटिव, 3y2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, ये आ गया आपका यार। अब थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, तो dy / dx ये बन गया, अभी आपका डेरिवेटिव आ गया यहां पे dy / dx, सिंपलीफाई कर रहे हैं, 3y2 सामने लिख देता हूं, 3y2 सामने लिख दिया, cot को लिखेंगे cos 3x / 2 अपॉन sin 3x / 2, सिंपलीफिकेशन देखो किस तरह कर रहे हैं, और sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर 3x / 2, एंगल देख लो बराबर, x नहीं है, 3x / 2, ठीक है, तो इसमें से एक कट हो गया है ना, तो अभी क्या बचेगा, 3 2 टाइम्स ये 2 है, ये cos बचेगा, दैट इज sin 3x / 2 into cos 3x / 2, इस तरह आपको पता है 2 sin थीटा into cos थीटा फार्मूला बनता sin 2 थीटा का, 2 थीटा मतलब एंगल को डबल कर दो अभी, मतलब डबल इसका तो 3x बनेगा, दैट इज 3 अपॉन sin इसका डबल, 3x / 2 का डबल हो गया तो 3x हो गया, लगा लो फार्मूला sin 3x, 2 sin 3x / 2 cos 3x / 2 आ गए, तो फाइनली ये यहां तक लिखा तो भी चलेगा, फाइनली वी राइट 3 1 अपॉन sin cosec बनता है cosec 3x, इन दिस वे वी गेट dy / dx। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है सेम ऐसे ही है, उसमें कोई बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ एंगल चेंज कर दिया और फार्मूला जो है ऊपर में ये वाला लगेगा, ये हो गया। अब ये लेंगे log ऑफ अंडर रूट ऑफ, अभी फटाफट बता रहा हूं, 1 प्लस cos 5x / 2, एंगल देखो अभी 1 माइनस cos 5x / 2, ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा / 2, इसका हाफ थीटा / 2 मतलब 5x / 2 का हाफ, दैट इज 5x / 4 बनेगा एंगल, 2 cos स्क्वायर थीटा / 2 5x / 4, उसी तरह 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा / 2 5x / 4, इस तरह ये 2 2 गेट कैंसिल, सो y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ cos / sin cot² 5x / 4, एंगल देखो बराबर, ठीक है,
रूट के बाहर निकालो, दैट इज y इज इक्वल टू log ऑफ cot ऑफ फाइव एक्स बाई फोर, इस तरह। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे ही है ना सेम, डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cot ऑफ फाइव एक्स बाई फोर विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको log x समझ के ट्रीट करो, x इसको x समझो, log x वन अपॉन x, लेकिन ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव cot ऑफ फाइव एक्स बाई फोर का फिर से डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन cot यानी tan होता है, tan फाइव एक्स बाई फोर, सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं, और डेरिवेटिव ऑफ cot x, cot x समझ के डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, लेकिन ये x नहीं है, cot x माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन ये x नहीं है, तो फिर से इसका डेरिवेटिव 5 बाय 4, थोड़ा सा और अभी ये आ गया आपका dy बाय dx, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले जैसे पहले प्रॉब्लम में क्या वैसा, ये माइनस साइन लिखता सामने, dy बाय dx ये माइनस 5 माइनस फाइव, माइनस फाइव हो गया, ये फोर है ना, टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, साइन फाइव एक्स बाई फोर, कॉस फाइव एक्स बाई फोर, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है, और माइनस तो लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा, वी राइट वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज वन अपॉन साइन स्क्वायर फाइव एक्स बाई फोर, इस तरह इसमें से कट हो गया, अब बचेगा माइनस फाइव अपॉन ये फोर है, तो इसको इस तरह लिख रहा हूं, टू टू ले रहा हूं, ये साइन फाइव एक्स बाई टू, सॉरी साइन फाइव एक्स बाई फोर, और ये है कॉस फाइव एक्स बाई फोर, बन गया रिजल्ट, फॉर्मूला ये माइनस फाइव टू एज इट इज, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन टू थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला बन रहा साइन टू थीटा, टू थीटा इसका डबल, अब इसका डबल मतलब वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी इसका डबल टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टू आएगा नीचे, सो साइन टू थीटा, टू थीटा मतलब फाइव एक्स बाय टू, ठीक है, इन दिस वे माइनस फाइव बाय टू, ठीक है, और वन अपॉन साइन थीटा यानी कोसेक थीटा होता है, दैट इज कोसेक फाइव एक्स बाय टू, ये आ गया आपका डी वाई बाय डी एक्स, राइट आंसर है, करेक्ट। देखो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हाँ y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, रैशनलाइज करना है, सिंपल बनेगा थोड़ा, log ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स, स्टेप देख लो किस तरह लिख रहा हूँ, वन प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर की जो कंजुगेट है उससे मल्टीप्लाई करना है दोनों जगह, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये बन गया आपका ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये नीचे फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह, और वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये तो टेंथ में भी पढ़े है ना, इस तरह की सिंप्लीफिकेशन कई सारे प्रॉब्लम थे, वाई इज इक्वल टू log ऑफ रूट के बाहर निकाल दो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको दोनों जगह स्प्लिट कर स्प्लिट अप कर दो,
log of 1 upon cos sec x minus sin upon cos tan x। आप तो इसको डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। देखो क्या किया, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर के कंजुगेट a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे नीचे बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर, और दोनों टर्म को रूट के बाहर निकाल लो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो बनेगा ए अपॉन बी, है ना, तो ये रूट कैंसिल हो गया, तो दोनों जगह स्प्लिट कर दो, ये स्प्लिट अप कर दिया, वन अपॉन कॉस एन ए सेक होता है, साइन अपॉन कॉस एन ए टैन हो गया। अब तो आराम से निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी गेट डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स। इसके पहले भी दिया है ये प्रॉब्लम, जब मैं फार्मूले एक्सप्लेन कर रहा था ना बेसिक फार्मूले, तो उसमें एक एग्जांपल दिया था, और इसके पहले फर्स्ट नंबर इसके पहले का जो वीडियो है उसमें भी है, एंगल थ्री एक्स था उसमें, ठीक है। तो देखो डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स समझ के उसका डेरिवेटिव निकालना है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स दैट इज वन अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव सेक एक्स माइनस टेन एक्स का फिर से डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एज इट इज sec x माइनस tan x, ठीक है। तो टेक आउट sec x कॉमन, sec x अगर कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा tan x माइनस sec x, tan x माइनस sec x अपॉन sec x माइनस tan x, गड़बड़ी में इसको कैंसिल मत करो, ये sec x माइनस tan x है, ये tan x माइनस sec x है, गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जैसे कि b माइनस ए है तो उसको लिखेंगे माइनस ए माइनस बी, इसको पलटा दो माइनस साइन आ जाएगा सामने, दैट इज माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स, इस तरह लिखेंगे उसको, टेन एक्स माइनस सेक एक्स है तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तभी कैंसिल होगा ना इसके साथ, अभी सेक एक्स माइनस टेन एक्स, नाउ दिस गेट कैंसल, सो वी गेट डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स माइनस सेक एक्स। उसका अल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूँ, और बाकी जो प्रॉब्लम है इसमें भी वो अल्टरनेटिव जो मेथड बता रहा हूँ ना उसमें इसमें भी यूज कर सकते हैं, बाकी जो प्रॉब्लम है उसमें भी यूज कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए आप दोनों मेथड से करके देखना, ठीक है। इसको इस तरह लिखेंगे, रूल्स ऑफ लॉगरिथम यूज कर रहे हैं, हाँ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स तो दी पावर वन बाई टू, रूट है ना ये सामने आ जाएगा, दैट इज वन बाई टू लॉग ऑफ वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, सामने आ गया। अब ये बन गया लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम अपॉन एन दैट इज लॉग एम माइनस लॉग एन, ये है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, वाई इज इक्वल टू वन बाई टू लॉग ऑफ वन माइनस साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ वन प्लस साइन एक्स, वही प्रॉब्लम अलग मेथड से बताओ, हाँ नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बाई डी एक्स वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ वन माइनस साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ वन प्लस साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वन बाई टू रहने दो ऐसे 1 by 2, चल बताओ log x समझ के डेरिवेटिव निकालो, log x 1 upon x that is 1 minus sin x, ये x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव 1 minus sin x का फिर से डेरिवेटिव, हाँ इसी तरह इसमें बताओ log x 1 upon x 1 plus sin x, x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव 1 plus sin x का फिर से डेरिवेटिव, that is 1 by 2 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, इसका जीरो हो गया, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, ये भी इजी है मेथड, माइनस अब ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, इसमें
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले कॉमन निकालो, माइनस कॉस एक्स कॉमन निकालो, दैट इज माइनस वन बाई टू इंटू कॉस एक्स कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन कॉमन निकालते प्लस होगा, प्लस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स, इस तरह माइनस साइन कॉमन निकाला कॉस एक्स कॉमन निकाला ये प्लस होगा साइन, ठीक है, दैट इज माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वन माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स, ये दो कैंसिल हो गए, माइनस कॉस एक्स अपॉन टू, ये टू है, वन प्लस वन टू हो गया, वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर वी राइट कॉस स्क्वायर एक्स, डायरेक्टली समझ लो, वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये टू कैंसिल हो गया, दैट इज माइनस वन अपॉन कॉस एक्स एंड वन अपॉन कॉस एक्स दैट इज सेकेंड, वही आंसर आ गया, देखो डी वाई बाय डी एक्स सेम आंसर है। तो बाकी जो प्रॉब्लम है इसको भी अल्टरनेट, ठीक है, तो इसमें भी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम लिखे ना इसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये अगर आपको इजी लगता है तो ये मेथड लगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले वो भी इजी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी इजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा, इसको लॉग से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा रूल देखो किस तरह अप्लाई करता हूँ मैं, देखो इसको ऑब्जर्व करो, लॉग ए इंटू बी अपॉन सी इस तरह अगर है, ऐसी है ना, ए इंटू बी अपॉन सी इस तरह अगर है तो इसको इस तरह लिख सकते, लॉग ए, पहले इसका प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग सी, इस तरह लिख सकते, ठीक है, पहले इसको ऐसा भी लिखेंगे, लोअर स्टेप लिखते, लॉग ए प्लस लॉग बी अपॉन सी, ठीक है, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, फिर ये भी और सिंपलीफाई होता है, दैट इज लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी, इस तरह, ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, देखो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 टू द पावर 2x प्लस लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 3 बाई 2, ठीक है, अगेन वी राइट द पावर सामने आ गया 2x log 4 प्लस ये भी पावर सामने आ गया 3 बाई 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x क्यूब माइनस 4 पावर 1 बाई 2 है इसका, ठीक है, लिख लेते हैं यही को 1 बाई 2 रूट है ना, रूट है तो 1 बाई 2 पावर, इस तरह लिख सकते हैं इसको, जो पावर सामने आ गया 3 बाई 2 लॉग एम अपॉन एम, और सिंप्लीफाई करते हैं 2 लॉग 4 इंटू एक्स, 2 लॉग 4 ये कांस्टेंट है इसलिए साइड में लिखा 2 लॉग 4 एक्स प्लस 3 बाई 2, सिंप्लीफाई करना है पहले, लॉग एम अपॉन एन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस लॉग ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 1 बाय 2, लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस लॉग एम, और सिंप्लीफाई करना दैट इज 2 लॉग 4 इंटू एक्स प्लस, अब एक थोड़ी स्टेप डायरेक्ट लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ये पावर सामने आ जाएगा 3 बाय 2, मैं थोड़े थोड़े के लिए बहुत स्टेप लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये 3 बाई 2 और ये सामने आएगा 3 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 पावर सामने आ गया, मल्टीप्लाई भी कर दिया पावर सामने आ गया 1 बाई 2 लॉग ऑफ 2x क्यूब माइनस 4, बाप बहुत लंबा हो गया,
ठीक है। अब करेंगे डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डीवाई बाय डी एक्स 2 log 4 कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे ही रहने दो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 3/2 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अब तो इजी हो गया, अब तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। -3/4 और कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 2x³ - 4 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू 2 log 4, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस 3/2, इसको log x समझ के डेरिवेटिव निकालो, 1/x, x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव 2x, x square plus 5 का डेरिवेटिव 2x, -3/4, log x समझ के 1/x, that is a 2x³ - 4, फिर से इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली को अभी 6x² और इसका 0 हो गया, बस हो गया। अभी सिंपली थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, डिवाइड बाय dx व्हिच इज इक्वल टू 2 log 4 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, 3x / x² + 5, ठीक है, इसमें 2 2 जा 4, 2 3 जा, मतलब ये बनेगा आपका -9x² 3 3 जा 9 9x² / 2x³ - 4, इन दिस वे वी गेट डिवाइड बाय डी एक्स। इसे रूल कैसे अप्लाई किया ये देखो अच्छे से, ठीक है, देखो आंसर चेक कर लेते एक बार, 2 log 4, 3x x² 9x², यस राइट है, 2 कहाँ गया, ये 2 लिखा ही नहीं ना, ये 2 है, ठीक है, दिस इज आवर डिवाइड बाय डी एक्स। वैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करना है, y इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर x² 5 - 4x टू द पावर 3/2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ, मतलब पावर लिख लेता ना इसको, 7 - 6x टू द पावर 1/3, क्यूब रूट है तो 1/3 पावर, ठीक है, चेक कर लो एक बार, हाँ सिंपलीफाई करते हैं। सो y इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर x² 5 - 4x टू द पावर 3/2, एक हो गया log m अपॉन n, समझ के कर रहे हैं, log m अपॉन n माइनस log ऑफ 7 - 6x टू द पावर 1/3, इस तरह log m अपॉन n, log m माइनस log n, इसको और सिंपल बना, दैट इज y इज इक्वल टू log ऑफ e टू द पावर x² प्लस होगा ये log m इनटू n, दैट इज log ऑफ 5 - 4x टू द पावर 3/2 माइनस ये पावर सामने आ गया 1/3 log ऑफ 7 - 6x, फिर से और पावर सामने लिखो इसका, x² सामने आ गया, log ही 1 होता है, नहीं लिखता यहाँ, रीजन लिख देता हूँ, log e हो गया 1, x² प्लस 3/2 log ऑफ 5 - 4x माइनस 1/3 log ऑफ 7 - 6, अब 1 गया, आप तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किस तरह सिंपलीफाई किया देख लें, डीवाई बाय डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 3/2 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 5 - 4x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स -1/3 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 7 - 6x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालते समय देखना माइनस, ठीक है, सो dy बाय dx विच इज इक्वल टू x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 3/2 log x 1/x 5 - 4x log x 1/x x नहीं है, ये x नहीं है, फिर से इसका
डेरिवेटिव माइनस फोर इसका जीरो माइनस फोर, ठीक है, माइनस वन बाय थ्री लॉग एक्स वन अपॉन एक्स दैट इज वन सेवन माइनस सिक्स है, फिर से इसका डेरिवेटिव ये एक्स नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव जीरो और इसका माइनस सिक्स, बस हो गया। सॉल्व करते थोड़ा सा, दैट इज अ टू एक्स टू टू जा फोर, ठीक है, और ये बनेगा माइनस सिक्स, माइनस सिक्स ये माइनस हमने लिखा अपॉन फाइव माइनस फोर एक्स, इधर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और थ्री से डिवाइड हो रहा है टू सेवन माइनस सिक्स एक्स, इन दिस वे वी गेट डीवाई बाय डीएक्स। अब सिंप्लीफाई करने के बाद तो डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है, ठीक है। अब उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, टू एक्स माइनस सिक्स अपॉन प्लस टू अपॉन, यस राइट है। नेक्स्ट को मैं सिंप्लीफाई कर देता थोड़ा सा, फिर उसके बाद तो आपको स्टेप पता ही है, सिंपल है, किस तरह लिखेंगे उसको, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द पावर cos x अपॉन x स्क्वायर माइनस थ्री का क्यूब इंटू लॉग x, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, दैट इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू द पावर cos x माइनस माइनस ये प्रोडक्ट है तो साइन लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन माइनस साइन है तो ये साइन चेंज होगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, नहीं समझ रहा तो लोअर स्टेप लिखो, ये प्लस आएगा ना तो ब्रैकेट माइनस साइन है, लोअर स्टेप लिखो जान लो, प्लस लॉग ये हो गया, ये प्रोडक्ट है, दिस यू राइट लॉग ऑफ लॉग एक्स, इस तरह चेक कर लो एक बार, लॉग एम माइनस लॉग एन, लोअर स्टेप लिखो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन, और स्टेप लिखेंगे वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू द पावर कॉस एक्स माइनस, देखो डायरेक्ट अभी सामने आ जाएगा ये पावर कॉस एक्स लॉग ए कॉन्स्टेंट है, हाँ डेरिवेटिव निकाल सकते माइनस थ्री लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, सामने आ गया, लोअर स्टेप ही लिखो गड़बड़ हो जाएगा, थ्री लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, बस आप इस स्टेप लिख दोगे एक आपको पता ही है साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग ए माइनस थ्री लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस लॉग ऑफ लॉग एक्स, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको कर सकते हैं आराम से, चेक करते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन ये प्रोडक्ट है, इसका सम हो गया एक बार सामने, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर दिया तो माइनस है, अब तो आराम से कर सकते इसको, ठीक है, तो बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।